हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर रिएक्टर 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं। हमारे बचपन के हीरो क्रिकेट के, वैसे तो इससे पहले काफ़ी और हीरोज़ भी हमारे रिटायरमेंट ले चुके हैं, पर ये ख़ास थे क्योंकि इनकी वजह से हमें दो वर्ल्ड कप जो है इंडिया को मिले हैं। और मैं वन एंड ओनली हमारे सबसे प्यारे महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में मैं जो है बात कर रहा हूँ। आप लोगों को तो अब तक मालूम पड़ ही गया होगा, ये वीडियो काफ़ी देर बाद आ रही है, कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। फाइनली वो अब रिटायर्ड हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट से ना सही में काफ़ी लोगों का ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपना ना बचपन का एक बहुत बड़ा वो जो होता है क्या बोलते हैं, मतलब महेंद्र सिंह धोनी से बहुत सारी यादें जो हैं जुड़ी हुई। जो भी वो क्रिकेट फ़ैन है उनकी तो भाई बहुत सारी यादें महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ी हुई है ही, बाकियों की भी, क्योंकि वो बहुत लोगों के रोल मॉडल थे। ठीक है, बहुत लोग उनसे अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं और अब उनकी सडनली रिटायरमेंट की जब न्यूज़ आई तब काफ़ी लोगों को जो है बुरा लगा, मुझे भी काफ़ी लगा। अब ये उनका अपना डिसीजन था तो हमें मतलब उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, पर फिर भी अपने मतलब इंडिया के इतने अच्छे प्लेयर को वैसे जाते हुए देखना किसको ही अच्छा लगा होगा। तो आज उन्हीं पे एक छोटी सी वीडियो है, मतलब उनकी पूरी लाइफ में जो भी सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको छोटी सी वीडियो में समराइज करके शायद इसमें दिखाया हुआ है। देखते हैं क्या है वीडियो, उसके बाद हम अपनी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। धोनी इज द वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल मैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। रोहित शर्मा, big shot leg side sixer. Oh, he's gone over there. Here we go, last ball through the offside. It's running through. Can we run out? Is he run out? He's got it. That's it. India win. That is brilliantly done. India win the Champions Trophy as England capitulate. The winners of the Champions Trophy 2013, India. Got it. Look at that catch, super catch. That's huge. Absolutely magnificent in the night of the final.
ये थी वीडियो, काफ़ी बुरा लग रहा है यार। वैसे वीडियो को स्टार्टिंग में आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं थोड़ा सा हूँ कि भाई मतलब बहुत सालों से देख रहे हैं भाई धोनी हैं, तो थोड़ा ना ऐसे कि क्रिकेट पे ना थोड़ा वो थोड़ा मतलब विश्वास रहता है कि धोनी संभाल लेगा, है ना। आप लोगों को भी काफ़ी में से होगा कि भाई धोनी है तो संभाल लेगा। वैसे भी धोनी ऐसा कैप्टन शायद ही इंडिया को कभी जो है मिला है, ऐसा सचिन तेंदुलकर ने भी कहा है कि वो धोनी वो बेस्ट कैप्टन था जिसके अंडर उन्होंने जो है खेला है। अब बहुत ही अब क्या कर सकते हैं, वैसे एक तरह से ठीक भी है क्योंकि अब जब तक पुराने बंदे नहीं जाएंगे नए बंदे कहाँ से आएंगे, क्या पता अगला धोनी जो है वो वेट कर रहा हो कि उसे भी चांस मिले। तो नेचर का रूल है भाई, जो आया है जाएगा ही, पर फिर भी ये लेजेंड थे हैं और रहेंगे और उन्हें लेजेंड की तरह ही याद किया जाएगा क्योंकि इनकी वजह से ही मतलब वैसे तो पूरी टीम का ही हाथ होता है हार या जीत में, पर फिर भी इनकी कैप्टनसी में ही इंडिया ने कई सालों बाद जो है वर्ल्ड कप जीता था, फिर उसके बाद दोबारा से जीता, दो वर्ल्ड कप है इनके नाम पे, तो काफ़ी लेजेंडरी इनकी मतलब क्रिकेट का पूरा वो रहा है जर्नी। और आप लोगों में से ज़्यादातर ने आई एम श्योर पक्का MS धोनी की जो मूवी है वो जो थी वो आपने देखी होगी, और उनमें मतलब दिखाया गया है कि क्या क्या इनका स्ट्रगल रहा है, इतनी बार हारे हैं ये, तो लाइफ भी बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग रही है, तो हम सबको इनकी लाइफ से सीखना चाहिए। और डिसीजन तो देखो कभी ना कभी तो वो रिटायरमेंट तो आना ही था। चलिए हम बस हम विश ही कर सकते हैं कि आगे कोई इनके जैसा कोई ऐसा लेजेंडरी प्लेयर इंडिया मतलब इंडियन क्रिकेट को मिले ताकि इंडियन क्रिकेट और ज़्यादा जो है अवार्ड्स जीते और तरक्की करता रहे। चलिए इन लेजेंड को सलूट करते हुए आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अब तक मेरी वीडियो को पूरा देख लिया है तो आपको वीडियो शायद पसंद आ गई होगी, तो पसंद आई हुई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए इस नोट पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।